तो आपने धीरू भाई का टेंडर रिजेक्ट कर दिया तो पंगा नहीं हुआ? हुआ ना। और वरली बांद्रा बहुत से लोग शायद समझ ना, फ्लाईओवर बनाया, वरली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। तो उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, तो पहली बार देश का थाने भिवंडी बाईपास से पहला प्रोजेक्ट बीओटी वर बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर मैंने शुरू किया। और बाद में इस प्रोजेक्ट के लिए भी मेरे पास 5 ही करोड़ थे उस समय, और मैं अंबानी जी थे, धीरू भाई उस समय, उनका टेंडर मैंने रिजेक्ट किया था। और MSRDC का स्थापना मैंने की और 5 करोड़ पर मैंने कैपिटल मार्केट से पैसे खड़े किए। और पहली बार 400 करोड़ चाहिए थे तो मुझे 1100 करोड़ मिले, 500 करोड़ चाहिए तो 1300 करोड़ मिले। तो आपने धीरू भाई का टेंडर रिजेक्ट कर दिया तो पंगा नहीं हुआ? हुआ ना। पर धीरू भाई बहुत बड़े दिल के थे, उन्होंने मुझे बुलाया, काफी नाराज थे वो। उन्होंने कहा सरकार की क्या औकात है, आप क्या रोड बनाओगे, ये आपके लिए संभव नहीं है, आप जीत कर रहे हो, अगर आप रोड बना सकोगे तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। तो मैंने उनको मजाक में कहा कि गुजरू भाई मुझे तो, मैं छोटा आदमी हूं, मैं प्रयास करूंगा, पर अगर मैं रोड बना चुका 2 साल में तो आप क्या शर्त लगाएंगे बताइए। तो बाद में जब रोड का काम शुरू हुआ तो धीरू भाई एक दिन वो पूरा रोड देखे तो उनको लगा कि रोड 2 साल में मुंबई पुणे हाईवे बन रहा था, उनका टेंडर 3600 करोड़ का था। और मैंने उनको कहा कि 2000 करोड़ में करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। और वही काम 2 साल में हमने 1600 करोड़ में पूरा किया, 2000 करोड़ बचे। तो धीरू भाई इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि मैं हार गया, तुम जीत गए। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे बहुत उम्र से बड़े, आपका आशीर्वाद है। फिर जब क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो मुंबई आए थे तो स्टॉक एक्सचेंज में कार्यक्रम था, तो प्रमोद जी थे, मैं उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, तो उन्होंने क्लिंटन कार्यक्रम मुझे आवाज दिया, बुलाया, और क्लिंटन को मुझे बताया उन्होंने कि ये हमारा देखो लड़का, इसने कितना मुंबई का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। उनको इस बात का अभिमान था। और आगे उन्होंने मुझे एक बार, मुकेश और अनिल और मैं ऐसे खाना खाने बैठे थे, उन्होंने कहा देखो नितिन, मैं स्कूल मास्टर का लड़का था, मैं मुंबई में आया, मैंने मुश्किल से बहुत कठिनाई से काम करते करते इतनी इज्जत मिलाई है कि आज 1 बज रहा है, अगर मुझे चाहिए, उस समय की बात कर रहे थे हो, तो 4 बजे तक मुझे 5000 करोड़ मिल जाएंगे, पर अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा ऐसी है कि देश का विकास हो, देश आगे जाए, और तुम्हारे जैसे 2-4 लोग मिलेंगे तो देश का बहुत बड़ा विकास होगा, गॉड ब्लेस यू। तो आप जो सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, तो अमेरिका की तो गरीबी हट गई, हमारी गरीबी कब हटेगी? आपको और एक इतिहास में रोड सेक्टर में और एक बात आपको सोचनी होगी। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा, सुंदरलाल पटवा ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री थे वो, मुझे उनके पास लेके गए, मैं बहुत यंग था तब, तो अटल जी ने मुझे कहा नितिन अब तुमने बहुत पुल वगैरह बनाए, अब गांव को जोड़ने वाले रोड बनने, वो योजना तैयार करो। तो मैंने कहा मैं बनाऊंगा। फिर मैं 3 महीने मैंने काम किया और मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका योजना का स्वरूप अटल जी को दिया। अब देने के बाद अटल जी की मीटिंग हुई, तो अभी भी है वो सक्सेना करके, बहुत ऊंचे अधिकारी नीति आयोग में थे, तो उन्होंने अटल जी को कहा कि अटल प्रधानमंत्री जी आई एम सॉरी, यू कैनॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट सब्जेक्ट, हम सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट के रोड पर काम नहीं कर सकते। तो अटल जी विद्या अचंभे में, क्या करना, अडवाणी जी मीटिंग में थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मेरे तरफ देखा, तो मैंने मेरे स्वभाव में थोड़ा सा मैं आउटस्पोकन हूँ, मैंने कहा अटल जी इनकी बात मत सुनो, देश की जनता ने आपको चुनकर दिया है, ये कानून के लफड़े में आज देश में 6.5 लाख गाँव है, गाँव के बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, बरसात में बंद हो जाता है, दूध फल फूल सब्जियाँ कुछ नहीं जाती, गाँव के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको न्याय देना है तो आपको ये करना पड़ेगा। तुमने सोचा कि कैसे होगा, फिर उसके बाद मीटिंग खत्म हो गई, फिर मुझे लगा कि अब शायद ये नहीं होगा, फिर मुझे बुलाया, फिर अटल जी ने मुझे बुलाकर कहा, एकदम आवाज चढ़ाकर कहा, ये होता क्यों नहीं है? तो मैंने हंसते हुए कहा इसका जवाब मैं कैसे दूं, इसका तो जवाब देश के प्रधानमंत्री ने देना चाहिए कि रोड पे जाने के लिए 10 रुपये लगते हैं, तो रेलवे से 6 रुपये लगते हैं, तो पानी से 1 रुपया लगता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी टू वाटरवेज, सेकेंड प्रायोरिटी टू रेलवे, थर्ड प्रायोरिटी टू रोड एंड फोर्थ प्रायोरिटी टू एविएशन। और 38 किलोमीटर पर डे का आपका टारगेट है ऐसा कुछ नहीं? अभी तो पहले 40 किलोमीटर पर डे हमारा पिछले साल का टारगेट था, इस साल थोड़ा कम हुआ है, तो टारगेट तो हर समय बढ़ा ही रहता है।
तो मेरा तो टारगेट है, पर कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, टारगेट पूरा नहीं हुआ करके फिर नेगेटिव लिखते हैं, इसलिए मैं डरता हूं। थोड़ा नेगेटिव वो तो हम करेंगे। देखिए अब छोंक लगने की भी थोड़ी बारी है। जो आपने बताया 91,000 किलोमीटर सड़क बनी थी 2014 तक नेशनल हाईवेज की अगर बात की जाए, और सही फिगर आपने कोट की 1,47,000 किलोमीटर आपने सड़क बना दी, लगभग 55,000 किलोमीटर सड़क आपने बनाई है, और आपने कहा 85% अब जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो रोड पे आ जाएगा। पर मैं आम आदमी से जुड़ा अब आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। गडकरी जी आप दबंग हैं, 2015 में मैंने एक बार इंटरव्यू किया था, तब पेट्रोल की कीमतें यकायक गिरी थी, और आपने कहा था कि नहीं आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल अभी सस्ता नहीं होगा। मैंने प्रधानमंत्री से कहा है अभी पैसे की जरूरत है कि सड़कें बनानी, ये 2015 की बात मैं कोट कर रहा हूं। तो ये हमारी जेब पर मार बहुत पड़ रही है। सड़क जेब पर मार नहीं है, देखो मैं आपको समझाता हूं। मैं अभी जो हाईवे नेटवर्क कर रहा हूं, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। अब मैं अभी लखनऊ को भी काफी जगह पर कनेक्टिविटी को नए नए हाईवे ग्रीन हाईवे बना रहा हूं, के लिए 9 घंटे लगते थे। अब 9 घंटे गाड़ी को चलाना, ब्रेक दबाना, गियर बदलना, चलते रहना, वो 2 घंटे में हो गया, और 2 घंटे में होने के कारण कम से कम फ्यूल पर ही उनकी इतनी बचत हो गई कि टोल का पैसा उसमें निकल जाता है, उल्टा समय बचता है प्रॉफिट में। अब मुझे, आप लोग दिल्ली वाले हैं, मुझे बताइए दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगता था। अभी मैं परसों मेरठ इनॉग्रेशन के लिए गया तो मुझे लोगों ने बताया कि हम कैनॉट प्लेस में आइसक्रीम खाने के लिए मेरठ से जाते हैं, और जो जो मेरठ के लोग दिल्ली रहते थे उनने मेरठ में घर बना लिए, और दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे के बजाय 40 से 45 मिनट में होता है। अब मुझे बताओ 4.5 घंटे के बजाय 45 मिनट गाड़ी चलेगी तो फ्यूल बचेगा नहीं? मैं तो आपकी बचत कर रहा हूं। मैं मजाक में कहता हूं आपने यहां कार्यक्रम लिया तो पैसा देना पड़ा, फुकट में लेना तो रामलीला मैदान पे आप चलो। सो हे गाइस, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में।